हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और साथ ही इस घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि सारी जानकारी आपको मिल जय महालक्ष्मी। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप मंगल कुशल अपने घर में होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रोजाना की सुबह की पूजा हर व्यक्ति करता है। हर व्यक्ति के जीवन में वही चाहता है कि पूजा करके वह सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करे और उस पूजा का उसे अपने जीवन में फल प्राप्त हो, और इसी के लिए वह व्यक्ति पूजा करता है। लेकिन दोस्तों, आप पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद भी आपके घर की जो लक्ष्मी होती है वह बाहर चली जाती है, जिसका कारण होता है हमारे स्वयं के द्वारा पूजा पाठ में पूजा का दीपक जलाते समय कुछ की जाने वाली गलतियां। दोस्तों, हमें इन गलतियों को दरकिनार करने की आवश्यकता नहीं है, हमें इन गलतियों से सबक लेना चाहिए कि यह गलतियां क्यों होती है, जिसकी वजह से हमें देवताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ता है और हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ का भी फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आज हम आपको इसी विषय में बताएंगे कि दीपक पूजा का आपको कहां रखना चाहिए ताकि आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। दोस्तों, जब भी आप सुबह पूजा करें तो सबसे पहले तो देवताओं के, अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको दाईं तरफ रखना चाहिए, और अगर आप तेल का दीपक जलाते हैं तो बाईं तरफ आपको रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कथन यह है कि जब भी आप पूजा करते हैं तब आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप मिट्टी का दीपक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह खंडित दीपक नहीं होना चाहिए। अगर आप खंडित दीपक में बार बार पूजा करते हैं तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको खंडित दीपक पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह जब भी आप पूजा में दीपक जलाते हैं तो कई व्यक्ति क्या करते हैं, एक दीपक को जलाकर एक दीपक से अन्य दीपक जला लेते हैं। यह बहुत ही बुरा होता है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा एक तिली से आप कई दीपक जला सकते हैं, लेकिन दीपक से आपको दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह कई व्यक्ति क्या करते हैं कि पूजा के जो पात्र होते हैं, जैसे दीपक हो गया, अगरबत्ती स्टैंड हो गया, घंटी हो गया, जल भरने का पात्र हो गया, उनको वह क्या करते हैं कि उनसे पुरानी बात ही हटाकर वहीं वह पूजा करने लग जाते हैं। दोस्तों, जब आप सुबह की जो जिस बर्तन के अंदर खाना खाया है वही जूठे बर्तन, उसी जूठे बर्तन के अंदर शाम को खाना नहीं खाते हैं तो आपको यह गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पूजा के जो दीपक है, पूजा के जो बर्तन है, उनको हमेशा स्वच्छ करने के बाद ही पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं करें कि आप उन बर्तनों के अंदर ही इस्तेमाल करें और सप्ताह में एक बार उन्हें धोएं, यह बहुत ही बुरा होता है। दोस्तों, दूसरा यह है कि पूजा में दीपक का इस्तेमाल जो व्यक्ति करते हैं, अगर आप तेल का दीपक करते हैं तो आपको रुई के स्थान पर मोली का प्रयोग करना चाहिए, और अगर आप घी का दीपक करते हैं तो आपको उसके अंदर रुई का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं आपको धूप का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, अगरबत्ती की बजाय आपको धूप का इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों, जब अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तब आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो आप अगरबत्ती जलाते हैं वह अगरबत्ती आपको देवताओं के एकदम सामने की तरफ कम से कम 1 फुट की दूरी पर आपको जलानी चाहिए, ताकि आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो और भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हो। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद।